जोधपुर के रावण के सबूतरा मैदान में देवासी महाकुंभ होने जा रहा है। तमाम लोग, तमाम दर्शक जानते हैं कि देवासी महाकुंभ 27 अगस्त 2023 को जोधपुर में होने जा रहा है, लेकिन उसके कितनी संख्या में, किस तरह से देवासी समाज के लोग पहुंचेंगे, समाज के किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी, जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा से मेरे साथ काफी लोग हैं तो सोशल वर्क में एक्टिव है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आपका क्या शुभ नाम है और कहां से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम बाबूलाल देवासी भाटेलाई, शेरगढ़ विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। जोधपुर जिले के पास में ही मेरा गाँव है। सर, कल जो जोधपुर में यह महासम्मेलन हो रहा है, देवासी कुंभ होने जा रहा है, उसमें आपके विधानसभा क्षेत्र से युवा किस तरह से यहाँ उमड़ेंगे और देवासी समाज के इस महाकुंभ को सफल बनाएंगे? पर्टिकुलर के लिए केवल मेरी विधानसभा की बात नहीं है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है और देवासी समाज की उत्पत्ति के बाद में ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो पूरा प्रदेश आएगा। पहले राजस्थान के हर विधानसभा से यहाँ लोग आ रहे हैं और राजस्थान से हमारे प्रवास के लोग जो बाहर रहते हैं वो भी बाहर, बॉम्बे से, बेंगलोर से, मद्रास से, बिहार से, उड़ीसा से, जहाँ भी रहते हैं वहाँ से, और आउट ऑफ कंट्रियों में जो भी राजस्थान के लोग रहते हैं, दुबई, कतर, अमेरिका, अफ्रीका, जहाँ भी रहते हैं वहाँ से भी वो लोग सब आ रहे हैं राजस्थान में इस महाकुंभ में। सर, आप कह रहे हैं राजस्थान, प्रदेश भर से यहाँ लोग उमड़ेंगे, और इधर राजनीतिक दलों की बात करें तो राजस्थान में देवासी समाज के उम्मीदवार बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, इधर राजनीतिक हस्तक्षेप देवासी समाज का कम कैसे? अब ये महाकुंभ इसी को लेकर हो रहा है कि हमारी जो भागीदारी होनी चाहिए, जैसे हमारी जनसंख्या देखा जाए, हमारा बाहुल्य क्षेत्र देखा जाए तो रबारी कम से कम 45 लाख है, तो उनके हिसाब से उनको राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकारों ने हमें हमेशा अनदेखा किया है। जो हमें हमारी भागीदारी थी वो भागीदारी सुनिश्चित इन्होंने नहीं की, इसीलिए महाकुंभ होने जा रहा है। और तमाम मुद्दे हैं महाकुंभ के, जैसे आज बालिका शिक्षा को लेके आज पूरे प्रदेश में बड़े बड़े जिलों में अभी बालिका शिक्षा संस्थान नहीं बना है, जो कि रबारियों के लिए सरकार ने एक अलग से कोटा बनाया था कि भाई ये निष्कर्मणीय जो जातियाँ हैं, भेड़ पालक है, इनके लिए निष्कर्मणीय जगह जगह विद्यालय बननी चाहिए, मगर अभी तक वो काम हुआ नहीं है या सरकारों ने हमारे साथ में अनदेखी की है, कहीं एक क्षेत्र में बना दिया है और काफी क्षेत्र अभी तक बाकी है, तो वो भी हमारी सरकार से मांग रहेगी। आपके विधानसभा क्षेत्र से आप युवाओं की, आपके समाज की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि शेरगढ़ विधानसभा से आप इस बार दावेदारी भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ये समाज तय करेगी कौन कहाँ दावेदारी करेगा। हर युवा हर जगह से दावेदारी नहीं करेगा, ये समाज पूरा राजस्थान हमारा एक जाजम पे बैठ के तय करेगा और समाज जिसको तय करेगा वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। कल के महाकुंभ, कल की जाजम से कहें तो बड़े अहम निर्णय निकल कर आ सकते हैं, कहाँ से कौन दावेदारी करेगा राजनीतिक दलों में, और अन्य कई आरक्षण संबंधी मुद्दे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, आरक्षण में हमारे साथ में सरकार बहुत ज्यादा अनदेखी कर रही है, हम पिछले 15 सालों से लड़ रहे हैं, मगर मैं बता दूं आपको, आरक्षण में जब भी भर्तियां आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एमबीसी वर्ग का परसेंटेज भी बढ़ा देती है, तो ऐसे करके हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो वो भी सरकार तक हमारी बातें हैं, जो हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जिनको जिनको जो जुम्मा दिया जाएगा वो बिल्कुल सरकार तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से सरकारों तक पहुंचाएंगे। जोधपुर में होने जा रहे देवासी महाकुंभ में प्रदेश भर से लोग पहुंच रहे हैं और देवासी महाकुंभ में बढ़ चढ़कर कल की डेट में, कल की दिनांक में भाग लेंगे और समाज के कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श कर अहम निर्णय भी लेंगे। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।